वो ट्वीट देखा है, मैं पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में, मैंने वो ट्वीट देखा है। और पार्टी मैं पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में, इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं, और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की भी महिलाएं, या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं, या माइनॉरिटी की महिलाएं जो हैं इस आरक्षण का लाभ उठा सकें। इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे, तो जो चंद लोगों की जहाँ तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज़्यादा जो चंद लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसके पास ज़मीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। और हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं, अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली, ठीक है ठाकुर जो है वो सरदेव है, हम ही लोग अहिर जाति से हैं, यादव हम लोग सरदेव हम लोग जो है वो लिखते हैं, लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं, तो ये तो लिखते हैं। उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था।